आपसे गुजारिश करूंगा इस वक्त जो हमारा अहम मसला है वो ये है कि गरीबों को सता रहे हैं आरक्षण आने पर। कश्मीर की आवाम ये गरीब आवाम है लेकिन ये आवाम अल्लाह के सामने झुकने वाली आवाम है। हमारा हिंदुस्तान में एक गुलदस्ता है जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख अपनी तरफ से तांत्रे साहब से अल्ताफ साहब से को हमसे हमारे अजीज रियाज आतिश साहब आज हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो अब वापस आज घर आ रहे हैं आपने तो उनको मुबारक हो छवि छवि बीनू साहब इस तरफ से आए आज दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो मैं आप जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आपकी जमात और जो आपके रखे हुए यहाँ लोग हैं जो लोगों के जुल्म सर इस वक्त वो कर रहे हैं हमारे लोगों की दो मरले कहीं चार मरले कहीं कहीं दस मरले कहीं ये बंजर जमीनों को आबाद हमारे लोगों ने अपने लोगों से किया है। आज कहते हो कि ये जमीनें सरकारी ये जो आज एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ एल जी साहब की आप लोग कौन होते हुए कहने वाले ये सरकारी जमीन है ये तो हमारी जमीन है जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीन और जब तक जम्मू कश्मीर के लोग इस पे रह रहे हैं अल्लाह बुखारी और अपनी पार्टी वादा देती है कि आपके साथ कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये बुलडोजर बाबा बाबा नहीं करते हमने बहुत ऐसे बुलडोजर बाबे देखे हमने यहाँ 86 में जगमोहन को भी देखा ऐसा कुछ नहीं चलने वाला है। हाँ सुकून अस्पताल कहीं बनाना है हम तो मिल्कियती जमीन थी उसके लिए छोड़ जाते सड़क बनानी है हम तो मिल्कियती जमीन भी छोड़ते तो हमें खुदा का खौफ है। हम वो लोग है जो जानते हैं जो ऊपर कोई ये नहीं कहता जनाब पैसे से इनको खरीदा क्यों अल्लाह ने शायद मुझे खुद अपनी इतनी मैं क्या जितना शुक्र करूं कम है वो इल्जाम नहीं लगा लेकिन मेरे भाई हकीकत ये है ना कि जो मिलना है सब दिल्ली से मिलना हमें अच्छे लगे या ना लगे वजीर अजम तो है वो हमारे वो भाजपा के ही हैं जिन्होंने हमारे सीनों पे यहाँ ये चलाए अगर खंजर किसी ने चलाए तो भाजपा ने चलाए 2019 का वाकया खंजर चलाने से कोई कम तो नहीं है। जाना तो मसले का हल तो उन्हीं के पास ही है मसलों का हल न इस्लामाबाद में मिलेगा न मसले का हल लंदन में मिलेगा ना अमेरिका में मिलेगा हमें जो मिलेगा दिल्ली से ही मिलेगा। जिस दिन मिलने का वक्त था उस दिन हमारे लीडरों ने तो दिल्ली को ही चुन लिया तो अरे भाई जब तुम लोगों ने चुना है तो आज जब हम उस फैसले को जो आप लोगों ने किया था हमें तो उन्हीं से मिले मुक्के तो आप लोगों ने बहुत दिखाए हमारे सामने तो तकरीरें भी आप लोगों ने बहुत की आप लोगों ने रायशुमारी ऑटोनॉमी सेल्फ रूल की बातें की लेकिन जाते तो ये तो हमारे लिए होता था दिल्ली में जाते तो आप ये बात नहीं करते थे दिल्ली में तो आप जाते उन्हीं के साथ बगलगीर होते थे और शायद ये कहते थे कि हमें पैसा दे दो हेलीकॉप्टर लेने के लिए। अनगिनत लाशें उस कुर्सी के नीचे अनगिनत लाशें हैं जो 1947 से 2018 तक लोग मरे उसका तो जवाब देना ही पड़ेगा और इन्हीं जमातों को देना पड़ेगा। अगर भाजपा ने 2019 में 370-35 से उठाया शायद सबको पता कि जनसंघ का ये पहले से मुद्दा था उन्होंने तो अपना मुद्दा पूरा कर दिया लेकिन हमने तो नहीं अपना वादा अपने लोगों के साथ निभाया कि हम इसको हटने नहीं देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस 2019 में कहती है हमें वोट दे दो हम बचाएंगे पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था। मैं आपको मुर्दी इल्जाम नहीं ठहरा रहा हूं मैं भी आप जैसा आम आदमी हूं मैंने भी वोट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस को और शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को हमने श्रीनगर से बनाया लेकिन जिस दिन हटाया गया उस दिन बाद तक एक लीडर आज इतना बड़ा लीडर के तौर पर जम्मू कश्मीर का दमखार बना है कि वो कहता है मैं ही तो एक वही था जिसने पार्लियामेंट में बात की कि
370 पैंतीस और एक और ना रखा। अरे लीडर साहब, आप तो एक बहुत बड़ी जमात के लीडर थे, सपोर्ट क्यों किया बीजेपी को उसमें हटाने में? इस्तीफा क्यों नहीं उस दिन दिया उस पार्टी से? आज जिस पार्टी से निकल आए उस दिन देना था ना। हम कहते जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आपने इस्तीफा दिया, आपने हमारी इज्जत आबरू बचाने के लिए इस्तीफा दिया। नहीं, आज इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि आपने कुछ मराठ हासिल करने के लिए दिया, जो आपने मराठ है या अपनी मजबूरियों के लिए दिया। खैर, मैं उस पर बात नहीं कर रही हूं, आपसे आया, आपसे सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं, आपके दिलों में हमेशा एक ख्याल होता होगा, हिंदुस्तान की मरकजी सरकार ने 370 और कहीं से लिखा है, इनसे बड़ा जालिम हमारे और ये अल्ताफ होता है। अपनी पार्टी वाले जाते पार्टी 8 मार्च को बनाई 2020 और 15 मार्च को उन्हीं से जाके मिले। सवाल है, बिल्कुल सवाल है। हमारे विरोधी कहते जनाब बीटी साहब, हम 1947 में भी नहीं निकले यहां से, 65 में भी निकले नहीं निकले, 71 में भी नहीं निकले, उसके बाद भी हमारे बच्चे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लोग नहीं। मैंने कहा इंसाफ होगा, मैं जरा ये सच लिखे, वो बयान लिखे जो वो लीडर देते हैं, कुछ लीडर इनका एड्रेस नहीं मिलेगा कि किस जेल में था। उस लीडर को क्यों नहीं कोई पूछा था? क्योंकि उसको इजाजत दी गई है कि तुम ये बात बोलो, लोगों को कंफ्यूज करके रखो। जैसे आज के अखबार, एक यहां का मशहूर अखबार है, उसमें हेडलाइन है कि साहब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहे कि पाकिस्तान नहीं चाह रहा है। अरे 54 इंच वाले वजीर आजम, आज तो जवाब दे दे, क्या पाकिस्तान यहां इलेक्शन कराएगा कि हिंदुस्तान? अगर पाकिस्तान ने इलेक्शन कराने तो फिर वजीर आजम क्यों हमारे लोगों को कहते हो, वहां की तरफ क्यों देख रहे हो? या तो वो चीज गलत है जो आर्मी की तरफ से कल रिपोर्ट इशू हुआ है स्टेटमेंट, या ये गलत है। और जहां तक हम जानते हैं कि हमारे इलेक्शन हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करा सकता है, दुनिया की और कोई ताकत नहीं करा सकती है, या अगर कोई करा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो इलेक्शन कमीशन को कह सकती है करो या ना करो। अगर आपको इलेक्शन नहीं कराने तो आर्मी से क्यों ये बयान दिलवा रहे हो कि पाकिस्तान नहीं चाहता? आप तो पाकिस्तान को ये बहुत बड़ा है, वो तो बेचारे वहां दूध नहीं अपने छोटे बच्चों को दिला सकते हैं, क्योंकि इतना महंगा दूध हो गया है कि मुझे लगता है अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बार ही खाली इजाजत मिलती हम दूध मुफ्त भेज देते, वहां उन बच्चों को दूध नहीं मिलते। वहां हम देख रहे हैं वहां गोश्त की कीमत क्या है, या वहां हर बार आटे की कीमत क्या है। आज उसी पाकिस्तान को आप लोगों ने हीरो की तरह बनाया है आज के अखबार में। मैं मानता हूं अभी कुछ दिन पहले जो यहां पुंछ में अटैक हुआ और जिसमें हमारे जवान शहीद हुए, दिल रोता है हमारे जवानों के लिए, कि वो तो हमारे सेफ्टी के लिए थे ना। चूक हमारी है कि हमने दुश्मन को यहां कहीं पना लेने की जगह दी। अगर किसी ने उसमें किया कोई खता की है हम में से, कानून के तहत उसको सजा दे दो, लेकिन बेगुनाह को तंग तो ना करो। हर एक पे शक करोगे तो फिर कौन हमसे ज्यादा कौन है नेशनलिस्ट, हमसे ज्यादा कौन जानता है कुर्बानी क्या है? हमारे ही लोग पहले गोली खाते हैं ना, जब पार से गोला आता तो उसको मरने वाला तो हमारा होता है ना, वो शहीद हो जाता है। उड़ी वालों से पूछो ना, सांबा वालों से पूछो ना, आरएसपोरा वालों से पूछो, सुचेतगढ़ वालों से पूछो, राजौरी वालों से पूछो, हमें कौन दर्ज देगा कि कुर्बानी किसे कहते हैं? कुर्बानी हम जानते हैं, कुर्बानी हमने दी है, कुर्बानी 1947 से हम लोगों ने दी है। अगर आज